ओम शांति। आज 14 फरवरी 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 2 नवंबर 1987 को सुनाए थे, जिसमें बाबा अपने विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। विश्व परिवर्तन की लगन हरेक में है, लेकिन फिर भी उमंग उत्साह सब कुछ होने के बावजूद भी नंबरवार हो जाते हैं। तो विश्व परिवर्तन का आधार स्व परिवर्तन है और स्व परिवर्तन का आधार बाबा कहे महसूसता की शक्ति है। ये एक शक्ति को विशेष रूप में प्रयोग में लाना है। बाबा ने कहा हर बच्चे सेवा तो कर ही रहे और तीनों रूप से सेवा करते हैं, वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी। लेकिन वृत्ति में निमित्त भाव हो, वाइब्रेशन में निर्माणता हो और वाणी में निस्वार्थ भाव हो, तब सफलता स्वरूप बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि हर एक में ये निश्चय है परिवर्तन होना ही है, हुआ ही पड़ा है, लेकिन फिर भी नंबरवार इसीलिए बनते हैं कि एक है अपनी कमी कमजोरी की महसूसता, दूसरा है माया व परिस्थिति द्वारा परवश हो जाते हैं, तो जब उस पेपर में स्वयं को कमजोर समझ लेते हैं तभी सफलता मूर्त नहीं हो पाते हैं। तो अपनी शक्ति की महसूसता बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ साथ बाबा ने कहा तीन प्रकार की महसूसता वाले बच्चे बाबा ने देखे। पहले प्रकार के बच्चे हैं जो सच्ची दिल से महसूसता करते हैं और इसीलिए दिलाराम बाबा के दिल की आशीर्वाद उन बच्चों पर बरसती है। दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जो चतुराई से महसूसता की शक्ति को अपनाते हैं, अर्थात समय को देखकर, स्थान को देख करके, स्वयं में महसूस करते हुए परिवर्तन को अपना लेते हैं, ताकि वो सबके बीच में अपने आप को सही सिद्ध कर सके। परंतु बाबा कहे वो परिवर्तन क्षणिक होता है। और तीसरे प्रकार के बच्चे हैं जो बाबा ने कहा कि देखते हैं विवेक कहता है सही नहीं है, परंतु अपने नाम मान शान के खातिर महसूस नहीं करते हैं और इसीलिए परिवर्तन शक्ति को भी नहीं अपनाते हैं। तो बाबा कहे वो आत्माएं अपने विवेक का खून करती है। जिस तरह आपघात करना महापाप है, इसी प्रकार जो बच्चे अपने विवेक का खून करते हैं, परिवर्तन को नहीं अपनाते हैं, वह भी महापाप के भागी बन जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं किसको पता चलता है। लेकिन बाबा कहे बाबा को इस कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते का पता है, कब कहां किस समय कौन सा पाप किया है, बाबा सब कुछ जानता है, बाबा के सामने सब कुछ स्पष्ट है। परंतु भोलेनाथ जानते हुए भी अनजान इसीलिए बनते हैं क्योंकि बाबा रहम दिल है, बच्चों को फिर भी अवसर देते हैं ताकि वो परिवर्तन हो जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का विषय है
स्वपरिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा यह कहे कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो हुआ ही पड़ा है, लेकिन निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन करके भविष्य को श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। है सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है, लेकिन स्वपरिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबर वार कार्य के लिए निमित्त भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी बाबा कहे नंबर वार क्यों? कोई बच्चे स्वपरिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतु होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं, या माया परिस्थिति या ब्राह्मणों द्वारा हिसाब किताब, ये बाबा कहे श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर है, तो इसीलिए तीन प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। एक है कि अभी अभी परिवर्तन करने का श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं, एक माया परिस्थिति और ब्राह्मणों के हिसाब किताब के द्वारा कमजोर पड़ जाते हैं, और तीसरे प्रकार के बाबा ने देखा कि जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं, और स्वपरिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि यह अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर तीन प्रकार के सेवा की सिद्धि है। एक ही समय पर तीन प्रकार की सेवा की सिद्धि है, वह तीन प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाणी। तीनों ही शक्तिशाली, निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है। अर्थात वृत्ति में निमित्त भाव, वाइब्रेशन निर्माणता के, और वाणी में निस्वार्थ। इसी आधार पर ये सेवा में सफलता है, तब दिल पसंद सफलता होती है, नहीं तो सेवा होती है। अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम के दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती। अर्थात जब ये तीनों में अंतर आ जाता है तो बाबा कहे तो दिल पसंद सफलता प्राप्त नहीं होती है, बच्चे खुश हो जाते हैं उसको देखकर, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, लेकिन बाबा के दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट हो जाती है।
साबाश साबाश जरूर कहेंगे, बाबा साबाश साबाश भी जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि यह बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है। सिद्धि स्वरूप अर्थात तीनों रूप से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, बाबा वरदाता भी है लेकिन साथ साथ शिक्षक भी है, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है, चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखे। ये रिजल्ट बाबा सुना रहे हैं। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है। यह सब परिवर्तन हो रहा है, बाह्य रूप से ये परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम यह दिखाई दे रहा है। ये परिणाम जो दिखाई दे रहा है वो भी बाप दादा और निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव के कारण है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद। सफलता का आधार स्वपरिवर्तन की अभी कमी है। ये तीनों पसंद, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद, उसका आधार, उसमें सफलता प्राप्त करने का आधार स्वपरिवर्तन की अभी कमी है। और स्वपरिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। तो इसीलिए बाबा ने बताया कोई भी परिवर्तन का आधार महसूसता, महसूसता नहीं तो अनुभूति नहीं, और अनुभूति नहीं तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। एग्जाम्पल के लिए बाबा कहते हैं आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। पहला परिवर्तन, मैं आत्मा हूं, बाप मेरा है, यह परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, यही मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती है। आत्म स्वरूप का अनुभव, बाबा का अनुभव कराती है, तभी परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में रहने के तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ यह वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूं, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से
थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, वायुमंडल का प्रभाव होने कारण बाबा कहे थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा लेकिन सदा काल का नहीं होगा। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी। इसी प्रकार स्वपरिवर्तन में भी, जैसे आत्म का परिवर्तन हुआ, बाबा को याद करने जिस तरह से लग गए, ये परिवर्तन हुआ, वैसे बाबा कहे इसी प्रकार स्वपरिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए। कौन सी दो बातों की महसूसता चाहिए? एक, अपनी कमजोरी की महसूसता, और दूसरी, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं कोई पेपर लेने के लिए, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता, परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता। तो एक है अपनी कमजोरी की महसूसता और दूसरी है दूसरे की, दूसरे व्यक्ति की, परिस्थिति की, पेपर के रूप में जो बातें आती है वहां पर उसकी कमजोरी के परवश हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ हूं, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है, तो पास हो जाएंगे। जब अपने आप को ऊंचा कर देते हैं परिस्थिति से तो पास होने की स्वाभाविकता है। तो इसीलिए बाबा कहे परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ हूं, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेगी। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। इसमें भी तीन प्रकार के बच्चे बाबा देखते हैं। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी चतुराई की महसूसता भी है, क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं। तो समय देख अपने को सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर ले, क्योंकि चतुराई से झुके हैं। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती, और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को भी खुश कर लेते, अपने को भी खुश कर देते। और तीसरे प्रकार की महसूसता मन मानता है कि ये ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए, अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम न करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। यह विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आपघात महापाप है, वैसे यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसीलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनमें मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं, उनके अंदर ही मन के डायलॉग को भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं।
मूल बात ऐसी महसूसता वाले यह समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है, लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोला नाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते हैं, क्योंकि रहम दिल बाप है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसीलिए बाप रहम दिल भोला नाथ बन जाते हैं। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसीलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता। बाबा हर एक के दिल में क्या चल रहा है वो नहीं जानते, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं, स्पष्ट है ही। जो चीज स्पष्ट है ही उसको क्या जानकर करेंगे। हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्पों का चार्ट बाप दादा के सामने है। हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते हैं। तिथि स्थान समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं। इतना ऑफिशियल बाबा हो गए कि सब कुछ बाबा जानते हैं और बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते तो आज सारा चार्ट देखा। स्वपरिवर्तन तीव्र गति से न होने के कारण सच्ची दिल के महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है, यह तो समझते हो ना। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड, साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो अर्थात महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। तो कितने तरीके से हम अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करें। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो, महसूस करो। मैं ही फरिश्ता हूँ, मैं ही बाबा के नैनों में समाया हुआ वो बिंदु हूँ, मैं ही ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड हूँ। बाबा कहे सिर्फ नॉलेज की रीति से वर्णन नहीं, महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी, वो निकल जाएगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। तो समझा, स्वपरिवर्तन का आधार महसूसता शक्ति है। शक्ति को कार्य में लगाओ। सिर्फ गिनती करके खुश न हो, हाँ यह भी शक्ति है, यह भी शक्ति है, लेकिन स्वप्रति सर्वप्रति सेवा प्रति सदा हर कार्य में लगाओ,
उस शक्ति को कार्य में लगाओ, समझा? कई बच्चे कहते हैं कि बाप यही काम करते रहते हैं क्या, लेकिन बाप क्या करे, साथ तो ले ही जाना है, बाबा को ही साथ ले जाना है। जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे ही चाहिए ना, इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते कि साथी समान बन जाए। पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं है, वह तो ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। आप साथी हो या बराती हो, बारात तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए शिव की बारात मशहूर है। बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है, ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है? प्रत्यक्षता का सूर्य कहां से उदय करेंगे? बाप में प्रत्यक्षता हुई, वह बात तो अब पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, यह तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे? अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो, जो सबके मुख से निकले कि यह ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने न किया हो, वह अब करके दिखाओ। फंक्शन, सेमिनार किए, आईपी की सेवा की, अर्थात विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा की, अखबारों में डाला, ये तो सभी करते हैं, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ, समझा? बाप का घर सो अपना घर है, आराम से सब पहुंच गए हैं। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी वे आराम होते। दिल का आराम है अर्थात दिल में सदा राम साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना जाना बे आराम लगता है, फिर भी मीठे ड्रामा की भावी समझो। मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना, परिवार से मिलना, ये मेला मनाने की भी मीठी भावी है। अच्छा, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा स्वपरिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को, सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसके बाद बाबा ने पार्टियों के साथ जो मुलाकात की है, तो पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। जहां बाप की छत्र छाया है वहां सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती, मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना, जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौत से खेलते नहीं है। बाबा कंपेयर कर रहे हैं दुनिया में भी और प्रैक्टिकल बच्चों के जीवन में भी। और जब मेहनत खत्म हो जाती, इम्तिहान खत्म हो जाते हैं तो मौज करते हैं। तो जहां मेहनत है वहां मौज नहीं, जहां मौज है वहां मेहनत नहीं।
छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी है ही, पास हुए ही पढ़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा। फिर विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ बाबा की मुलाकात है। बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाने चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही है, कैसे भी बाप को बनाना ही है, कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले नहीं जाएंगे। बाप का भी तो शान है ना, बाप संपन्न हो और साथी लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा नहीं, लूले लंगड़े बराती होंगे साथी नहीं। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते लायक बनेगी। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान है सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को स्वयं में समालो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी के व्यक्त बातों और भाव का आशिंक रूप समाया हुआ न हो। किसी भी आत्मा के व्यक्त बातों और भाव अंदर में समाया हुआ न हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर। आज के बाबा का मधुर स्लोगन है, विस्तार को न देख, सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। विस्तार को न देख, सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। अच्छा, ओम शांति।